बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदमखोर पैंथर मारा गया, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर से शूटर्स ने पैंथर को मार गिराया है, उदयपुर से ये बड़ी खबर है। एक महीने में 8 लोगों की जान ले चुका था ये पैंथर, आसपास के इलाकों में हमला कर रहा था, आईजी की तरफ से कहा गया है। और आदमखोर पैंथर को शूटर्स ने मार गिराया है, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक महीने में 8 लोगों की आदमखोर पैंथर ने जान ली थी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आईजी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। आसपास के इलाकों में भी ये आदमखोर पैंथर हमले कर रहा था और शूटर्स ने पैंथर को मार गिराया है। पिछले एक महीने में 8 लोगों की अब तक आदमखोर पैंथर के अटैक की वजह से जान जा चुकी है। उदयपुर से ये बड़ी खबर, पैंथर के अटैक की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। इस बीच एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, आदमखोर पैंथर को शूटर्स ने मार गिराया है। आईजी ने जानकारी दी है, आसपास के इलाकों में भी ये पैंथर अटैक कर रहा था, शूटर्स ने पैंथर को मार गिराया है। उदयपुर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। आईजी मौजूद है वहां पर और शूटर्स की टीम वहां पर मौजूद है। तो एक महीने में पैंथर ने आतंक मचा रखा था, जांच के बाद आदमखोर होने की पुष्टि हुई थी, वन विभाग ने ये जानकारी दी है। अब तक 8 लोगों को मार चुका था ये आदमखोर पैंथर, लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी, आईजी ने ये जानकारी साझा की है। पैंथर को गोली मारकर ढेर किया गया है, शूटर्स को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आदमखोर पैंथर को मार गिराया गया है, एक महीने से पैंथर का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा था। पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया कुछ फायर, अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा, उन्होंने मुँह किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ है। सब शूट आउट करने वाला का नाम वो पुलिस की तरफ ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके वो एनिमल आ सकते हैं तो और एनिमल की संभावना तो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे उसके बाद कन्फर्म। कल एक माह से 18 सितंबर से लगातार हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही थी कि कोई पैंथर है जो इस इलाके में घूम रहा है और निरंतर उसने लोगों पर अटैक किए, जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल हो गए और एक माह में 8 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई, लड़के और SHO गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:45 से 7 बजे के आसपास 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने उन पर एक छलांग सी लगाई उसने, उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी SHO और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज इस चला के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आदमखोर पैंथर मारा गया है, आईजी की तरफ से क्या कुछ जानकारी इसको लेकर साझा की गई है, ग्रामीणों का क्या रिएक्शन है अभी तक? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ग्रामीणों बहुत उत्साह था जब जैसे ही उन्हें ध्यान पड़ा कि आदमखोर को मार दिया गया और लोग बाग वहां पर हुजूम सा मच गया। लोग बाग वहां पर जहां पर ये तालाब था उसके किनारे पर लोग बाग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और वहां पर जयकार भी नारे लगाए और पुलिस प्रशासन दोनों की बहुत मीठी मीठी प्रशंसा करी वहां पर। और लोगों ने जिस तरह से प्रशासन वन विभाग और पुलिस दोनों ने साझा अभियान चलाया और रात को 7 से 8 टीमें ऐसी बनाई गई जिसमें 1 शार्प शूटर और 2 अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसी के साथ वहां पर जो एडिशनल SP है गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गोगुंदा थाना अधिकारी जो लगातार 28 दिन से लगातार इसी मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे थे उनको भी वहीं पे रखा गया। इसके चलते सुबह 6:30 बजे के करीब इस पैंथर का मूवमेंट देखा गया और जैसे ही इसने एक सिपाही के ऊपर हमला करने की कोशिश करी तो सिपाही ने सीधा फायर करा और जैसे ही फायर करा तो तीनों तरफ से एक एक फायर होने लगे और उसी समय वहां पर ये ढेर हो गया।
बिल्कुल, देखिए संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग की टीम की तरफ से क्या पुष्टि हो पाई है अब तक जांच में कि ये पैंथर आदमखोर था या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए जब हमारी डीएफओ चित्तौड़ा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये लोकेशन लास्ट लोकेशन जहाँ पर महिला की कुमारा था उसी की लोकेशन के आसपास था और इसी के चलते वहां पर ग्रामीणों ने भी कहा था कि ये यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगा यदि इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए। तो उसी रणनीति के तहत पुलिस विभाग और वन विभाग ने टीमें गठित की और इस पैंथर को मार गया। डीएफओ ने बताया कि जिस तरह से इसका मूवमेंट देखा जा रहा था और जिस तरह से इसका जो पग मार्क्स हैं और इसके जो बाल हैं तो उससे लग यही रहा है कि ये वही पैंथर है जिसने पहले लोगों को मारा है। ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और